बेंजो टीवी से आपका तेजी से स्वागत कर रहा हूँ शशिकांत गुंटला। और आज एक बहुत ही मजेदार कहानी आपके लिए पेशे खिदमत है। निशा, निशा एक बहुत ही जानी मानी एडवोकेट थी और इनकी लड़की ये थी, सेटल हो गई थी रशिया यूरी गागारिन स्पेस सेंटर में काम कर रही थी। खड़ा की सर्दी यहां पर भी वहां पर भी, निशा बैठकर खिड़की से बाहर देख रही थी, शिमला में जो रहती थी बहुत ही ठंड थी और बाहर बस जितनी ठंड थी उतनी ही ठंडी आहें भी वो भर रही थी, क्योंकि निशा को फोन आया था अपनी लड़की रिचा का कि समाचार तो बहुत सीधा साधा था, बस उसका एक रिचा का बॉयफ्रेंड था वो यूक्रेन में था और छोटा सा डिप्रेशन का हमला, इनके बॉयफ्रेंड नवास्ता कोई को आया था, बस ठीक हो गया था, एंटी डिप्रेशन की दवाई ली और साथ साथ में नींद की गोलियां और डॉक्टर ने कुछ पॉजिटिव काउंसलिंग करवाई, बस ठीक हो गया था। एंड तो बहुत सिंपल सा था और अभी सामने बैठकर रिचा और नमस्ता कौर कॉफी पी रहे थे, बहुत ही खूबसूरत सुबह थी और दोनों कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे। इतने में अचानक नमस्ता कौर ने एक सवाल पूछा, रिचा शादी के बाद मुझे एक लड़की जरूर चाहिए, पर मुझे एक प्रॉमिस कर कि ये लड़की तेरी तरह स्पेस सेंटर में काम नहीं करेगी। कम डाउन नमस्कार, मैं जानती हूं तुम्हें क्या पसंद है और तुम्हें क्या नहीं पसंद है, इसकी बात हम बाद में करेंगे, कॉफी तो ठीक हो गया। रिचा ने बहुत ठंडक से जवाब दिया, लेकिन नवस्था को एक और आगे सवाल पूछा कि ये लड़की बड़ी होकर स्पेस सेंटर में न चली जाए और दूसरे प्लेनेट में न चली जाए, पर लड़का तो मुझे चाहिए। एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, अरे भाई काम डाउन, नो आर्ग्यूज, नथिंग, हैव अ कॉफी। रिचा ने बात को पलटी किया, लेकिन नोवा ने बिल्कुल बात को आगे ले जाते हुए पूछा कि क्या तू उसे दूसरे प्लेनेट के लड़के के साथ शादी करने की मंजूरी देगी, प्रॉमिस कर कि अगर लड़की हुई तो जो जो मैंने कहा वो चीज वो नहीं करेगी। यू should not think much, still there is life and we have number of things to do in the life, just have coffee. Noah bilkul khamosh ho gaya,
उनकी नजर घूमने लगी। घूमते घूमते इनकी नजर पे आई एक फूलदानी, फ्लावर वास। देखता रहा, अचानक उठा और उसने उस फ्लावर वास को उठा लिया। उठा के उसने शीशे की तरफ, खिड़की की शीशे की तरफ फेंका। शीशे से बाहर तोड़कर फूलदानी बाहर और इस दरवाजे से निशा अंदर। रिचा ने बाजी को संभाल लिया और निशा को बिल्कुल वेलकम करके बिठाया और जैसे कुछ हुआ ही नहीं है ऐसे वो बातें करने लगी। अब बात का दी एंड आ गया नहीं जी, इस बात को 18 साल गुजर गया। नोवा कोई को और रिचा को एक लड़की हुई और इस लड़की 18 साल के बाद में स्पेस सेंटर में भर्ती हो गई और दूसरे प्लेनेट में गई और वही प्लेनेट का लड़का वो लेकर यहां आई, यानी कि एलियन को। अब यहां पर यहां पर रिचा और यहां पर वो लड़का बैठा था। 18 साल की बात है, बिल्कुल सामने वो फूलदानी भी थी, फ्लावर वास। उसको Thank you.